अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख लुकमान, आप देख रहे हैं शिराज टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। कॉरपोरेशन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मौजिज अराकीन असेंबली व खायद मुखन्ना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन का इजलास है और मेरे ख्याल से 1.5 साल के बाद ये इजलास हम इस तरह से मुनक्कद कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की पहली वेव, उसके बाद दूसरी वेव आई, मगर मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अल्लाह से दुआ भी करता हूं और कर भी रहा हूं कि जो मजलिस के सदर मुतमदीन ने, अराकीन बल्दिया ने, अराकीन असेंबली ने कोविड के दौरान में और खास तौर से इस साल मार्च अप्रैल मई में जो कोविड की दूसरी लहर में जो मजलिस के जिम्मेदारों ने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिल मुबारकबाद थी और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुभान व तआला हम तमाम की इस मेहनत को, हमारे इखलास को, हमारी नीयतों के मुताबिक हमने जो काम किया और जो नहीं भी कर सके, अल्लाह सुभान व तआला उसको कबूल करे। कोई सियासी जमात शहर हैदराबाद या ग्रेटर हैदराबाद के लिमिट्स में जो काम मजलिस के जिम्मेदारों ने किया और ऐसे वक्त में जब आवाम परेशान थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 400 ऑक्सीजन सिलेंडर मजलिस रिलीफ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से खरीदे गए और 100 उसमें इजाफा सिलेंडर रुकन असेंबली चंद्राय मुट्टा और कायद मुखन्ना ने अपने तरफ से इंतजाम करवाए और आगापुरा के एक शादी खाने में मजलिस ने उस सेंटर